हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। बाद में उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, एडजेक्टिव आर द वर्ड विच डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल है गुड, ब्लैक, फाइव, बिग और एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के। तो आगे है हमारा एक सेंटेंस, देखिए, ही इज ए गुड बॉय। दोस्तों, ही इज़ अ गुड बॉय में इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताए जाए ना टाइप्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो वो था यहाँ पे, देखिए हमारा गुड गुड है ना हमारा, देखिए गुड। अब यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा। अगर मैं कहता ही इज़ अ बॉय तो क्या उसमें कोई विशेषता थी? नहीं, नहीं थी। पर मैंने अगर इसमें गुड लगा दिया तो उसकी एक विशेषता बन गई। और अगर मैं यहाँ पे बैड लिख देता तो दोस्तों ये भी हमारा एक विशेषण ही है, क्योंकि मैंने उसकी विशेषता बताई है कि वो खराब है। अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसके होते हैं 8 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फोर्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और अगर आप धीरे धीरे, मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आज आप अगर डेली अगर सीखते हैं इसको तो वो समझ में आ जाएगा आपको। तो हम इसको पूरे को इरेज कर देते हैं। तो आगे है हमारा, मैंने जैसा बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में अब हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं एक बार इसकी। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि ये कह रहा है कि जो वर्ड्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसी, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे जी मान लीजिए आप कोई शॉप पे जाते हो, दुकान पे, तो आपको आप सामान देखते हो ना, तो आप उसकी सबसे पहले क्वालिटी देखते हो, और आपको दुकानदार भी उसकी क्वालिटी बताता है, तो वो होता है हमारा क्वालिटी। जैसे कि गुड बैड, किसी लच्छे में, किसी बच्चे में ये क्वालिटी है कि वो अच्छा है, और किसी बच्चे में क्वालिटी है कि वो काला है, किसी में ये है कि वो वाइट है। तो इस तरह से कोई हंगरी है, कोई टायर्ड है, उसकी क्वालिटी बता रहा है किसी चीज़ की। जैसे ही इज़ ए क्लेवर बॉय, यहाँ पे देखिए, अच्छा मान लीजिए ये यहाँ पे आप हमने नहीं लगाया सेंटेंस में, ही इज़ ए बॉय, वो लड़का है, शुरू में भी बताया था मैंने शायद से ही इज़ ए बॉय। अब दोस्तों, इस सेंटेंस में आप लोग मुझे बताएं कि चलो मैंने आपको बता दिया कि यू आर ए बॉय और गर्ल, पर मैंने आपको ये और बता दिया, अब इसमें कुछ नहीं है, पर अगर मैं ये कह दूँ कि यू आर ए क्लेवर बॉय, तो आपकी क्वालिटी बता रहा है ना वो कि क्लेवर यहाँ पे हमारा क्या है, क्या है क्लेवर हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ओके दोस्तों, आगे है आई सा ए हंग्री डॉग, क्या है यहाँ पे हंग्री, हंग्री भूखा नहीं, मतलब क्या है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।